मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पाठ 12 क्रिया शुरू करेंगे। इसमें हम लोग अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कर चुके हैं। अब हमें करना है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो देखिए आगे। पहला, एक कर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर पानी भरता है, शिवानी गीत गाती है, वैभव आम पसंद करता है, घोड़े ने घास खा ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सकर्मक क्रिया है इसमें खाली एक कर्म है, एक कर्म से ज़्यादा कर्म नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, एक कर्मक क्रिया, सकर्मक एक कर्मक क्रिया बोला जाएगा इसे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कर्म है। तो देखिए, नौकर पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, है ना। शिवानी गीत गाती है, क्या गाती है, गीत, गीत सिर्फ एक कर्म। वैभव आम पसंद करता है, आम क्या है, एक कर्म है। घोड़े ने घास खा ली, घास क्या है, एक कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जो सकर्मक क्रिया होती है उसके साथ दो कर्म आते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया, तो इसमें लोग और तमाशा, बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया, तो लोग और तमाशा ये दोनों क्या है, कर्म है, और इसलिए क्या है, इसमें दो कर्म है इस पूरे वाक्य में, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगे होंगे वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पे दिखाना क्या है, द्विकर्मक क्रिया। उसने भिखारी को दान दिया, उसने क्या किया, भिखारी को दान दिया। तो भिखारी और दान ये क्या है, हमारे दो कर्म हैं, और इसमें देना क्या है, क्रिया है, तो देना क्या है, द्विकर्मक क्रिया, और बाकी ये क्या है, हमारे कर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुख्य और गौण कर्म। इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लास, अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको इनकी परिभाषा लिखनी है और इनके एग्जाम्पल जो हैं, दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी आपको हिट करना है।